वेट वेट और वेट। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम KDA कोहाट डेवलपमेंट अथॉरिटी में मौजूद हैं फेज़ टू में, और यहां से हम अपना सफ़र जारी रखेंगे टूवर्ड्स कटाकर्णे। कटाकर्णे यहां से तकरीबन मुख्तलिफ रूट्स पे आता है, 3 रूट्स हैं इसके, और हम हाईवे की साइड से जाएंगे, फिर कोहाट पिंडी का जो मेन रोड है उसको उससे एक्सेस करेंगे। तकरीबन 39 to 45 किलोमीटर्स बनता है, और इसमें दो दरमियान में स्पॉट्स भी आते हैं, तो वो भी हम आपको रास्ते में दिखाते चलेंगे। हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जगह पसंद आएगी, तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए, KDA से हमारा सफ़र का आगाज़ हो चुका है। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है आज, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सफ़र बखैर होगा। यहाँ से राइट टर्न लेंगे और मेन हाईवे पे, जो कि बाईपास रोड है, जो लिंक करता है, जो कि पेशावर की तरफ भी जाता है, और दूसरी साइड जो है वो बनू ऑनवर्ड्स और पिंडी से कोहाट कैड कॉलेज जहाँ पे आता है, तो वहाँ से लिंक करता है। ये रोड आगे कैरेट कॉलेज कोहाट का एक जंक्शन आता है, एक ब्रिज है, तो वहाँ पे हम लेफ़्ट टर्न करेंगे, और हमारा जो रास्ता है वो कोहाट मेन पिंडी जो कोहाट रोड का है, तो उस पर बिलीटंग का चौक आएगा, वहाँ से हम टर्न करेंगे राइट साइड पे, और फिर आगे कोर्ट और फर्दर आगे एक दो स्पॉट्स आती हैं, फिर कटाकर्णे का पॉइंट आता है लास्ट में, तो वहाँ तक इंशाल्लाह हम जाएंगे। यहाँ पे तो मंगारा का पार्क भी है, वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसेस कंसिडर्ड एज नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही अजीब तरीके से मेंटेन रखा गया है। यहाँ पे कोई जाता भी नहीं है, एक डिस्प्यूटेड जोन भी है यहाँ पे नज़दीक, तो इस वजह से इस पर वैसे ही जो है ना पैसे ही खर्च किए इन्होंने, तो कभी मौका मिला तो ये भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। सफारी पार्क है असल में, लेकिन सफारी पार्क प्रॉपर बनाया नहीं गया, और यहाँ पे लोगों की एक्सेस भी कम रहती है। कुछ रीजन हैं यहाँ पे, उस वजह से लोग कम आते हैं, लेकिन ये जगह बनानी नहीं चाहिए थी, फर्स्ट प्रायोरिटी में तो ये जगह नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन अब बन गई है, तो क्या कह सकते हैं, इल पॉलिसीज ही कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी इल प्लानिंग है, तो उस वजह से इस जगह को बनना नहीं चाहिए था। ये शुक्र है कि टोल प्लाजा पर जो है मोटरसाइकिल वालों के लिए आसानी होती है कि उनसे पैसे वसूल नहीं किए जाते।
ये आगे जो रावलपिंडी और बनू का बोर्ड नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ से आगे लेफ़्ट टर्न करेंगे आगे से जो नेक्स्ट लेफ्ट आएगा, फिर हम फिर लेफ्ट लेंगे। जो कि मेन कोहाट पिंडी रोड है। इस रोड भी काफ़ी रफ पैचेस थे जो कि अभी फिलअप हो चुके हैं। रोड काफ़ी बेहतर हो गई है, कुछ पैचेस हैं जो शुरू किए हैं ये वाले, तो वो भी रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह कम टाइम में, उम्मीद है कि ये कम टाइम में हम देखेंगे कि ये भी बन जाएंगे। थोड़े से इश्यूज हैं फंड्स वगैरह के और कुछ ऐसे, तो बिली टंग का पुराना बाज़ार तकरीबन कोहाट और बिली टंग का बाज़ार तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही टाइम के बाज़ार हैं। ये बहुत ही बिज़ी बाज़ार है। हम यहाँ से आराम से गुज़र रहे हैं और ये बाज़ार आप देख लें, बहुत ही ज़्यादा रश होती है इसमें। सुबह सवेरे से लोग निकल आते हैं और 11-12 बजे तक, 12:30 बजे तक ऑलमोस्ट बाज़ार ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे ख़रीदारी वग़ैरह सब कुछ ख़त्म हो जाती है। तो ये है बाज़ार, और इससे आगे का रास्ता फिर हम जाएंगे आगे कटाकाने की तरफ। ये रोड अभी बिल्कुल नई बनी है और एक महीना तकरीबन हो चुका है इस पर काम स्टार्ट था, तो काफ़ी टाइम से ये रोड डिटेरियरेटेड कंडीशन भी थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, रोड़ा पड़ा हुआ था और रोड नहीं बनती थी। तो शुक्र है कि ये रोड भी अच्छी बन गई अभी फ़िलहाल तो अच्छी है। कुछ पैच मेरे ख्याल से शायद रहता है, हमारे ऑफिस के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनका गांव आगे आता है, उसका नाम कोट है, तो उनसे भी इंशाल्लाह मिलेंगे और वो हमारे साथ ही जाएंगे आगे, तो इंशाल्लाह आगे का सफ़र देखते रहिए। और ये जगह जो हैं बहुत खूबसूरत, बस असल में ये है कि बारिश यहाँ पे हो तो ये जगह हरी भरी रहती है, और माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फसल होती है, हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे उगती हैं। ये है मेरे दोस्त अमीन, इनका नाम है, जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले मेंशन किया था। ये बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं और यहीं पे इनका घर है, कोट इस जगह का नाम है। अभी हम आगे वादो ज़ैरत और कटाकाने जा रहे हैं, वहाँ पे फिशिंग का सामान भी देखे नीचे इन्होंने लटकाया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं अगर कोई मछली भी हम पकड़ लें तो और भी मज़ा आ जाएगा। वादो ज़ैरत में मौजूद हैं इस टाइम, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे नॉर्मली लोग आते हैं, फ़िशिंग के लिए भी आते हैं और यहाँ पे नहाने के लिए भी आते हैं।
नहाने के लिए जगह अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के की डेथ भी काफ़ी हुई है। तो ये जगह देख लें, ये हैं अमीन भाई, ये हमारे खास आदमी हैं, खास आदमी हैं और ये इनके बरखुरदार हैं, बेटा ये इनका बेटा है अब्दुल्ला, और आपका नाम अजीज़ुर रहमान माशाल्लाह। और वो साहब जो वहाँ पे नजर आ रहे हैं, वो जो दरख्तों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम अब्बास है। ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे ट्रैवलिंग पार्टनर बनते जा रहे हैं। ये था बादो ज़ियारत, शॉर्ट ब्रीफ सी हिस्ट्री है यहाँ पे, ऐसे कोई खास लोगों को भी पता नहीं है कि यहाँ पे कौन से बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन सारा बुजुर्ग तो थे यहाँ पे। और यहाँ पे ये पानी का जो सीनरी है, लोग यहाँ पे आते हैं नहाने के लिए, फिशिंग के लिए आते हैं, सैर सपाटे के लिए, और थोड़े से शेल्टर बने हुए थे तो शेल्टर में वो स्टे करते हैं, कांप वगैरह बनाते हैं, थोड़ा सा टाइम गुजारने के बाद चले जाते हैं। ऐसे कोई डेवलपमेंट तो यहाँ पे है नहीं, तो फिशिंग की नीयत से ही जब लोग आते हैं और टाइम गुजार के चले जाते हैं। अभी हम अपना सफर जारी रख रहे हैं टुवर्ड्स कटाकाने। कटाकाने यहाँ से तकरीबन 20-25 मिनट्स शायद और लग जाएं। ये मेरा फोर्थ टाइम है ऑलमोस्ट कटाकाने की साइड पे, थर्ड या फोर्थ टाइम ऑलमोस्ट। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो मुझे तो ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और उस जगह पे पानी की बहुत खूबसूरत था उस टाइम पे, क्योंकि सर्दी का मौसम था और सर्दी के मौसम हर जगह पे पानी नॉर्मली ब्लू कलर का होता है। फिलहाल तो ब्लू कलर का सीन कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो बारिश भी ज़्यादा हुई है और अभी सर्दी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उस वजह से हमें ब्लू वाटर इतना नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ये सीनरी के लिहाज से, और जिस जगह जो ये जिस वजह से ये जगह मशहूर है, तो उस लिहाज से आप सीनरी इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। मुख्तलिफ स्पॉट्स यहाँ पे रास्ते में आते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत मंजर है। कभी कभी जब शाम का मंजर होता है यहाँ पे तो वो आउट क्लास होता है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जब था यहाँ पे, मैंने फोटोग्राफी की थी, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ये जगह जब पानी ज़्यादा होता है तो यहाँ पे ये फुल एरिया में पानी जा रहा होता है, तो अभी थोड़ा पानी कम है, लेकिन फिर भी आप ये मंजर एंजॉय करें, बहुत खूबसूरत मंजर है। और ये पानी आते आते नीचे तोई बांडा और वहाँ पे जाके मिल जाता है, फिर ये ऑनवर्ड्स दरियाए सिंध में, जो कि खुशहालगढ़ और इसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं वहाँ पे जाके जो है मिल जाता है ये पानी। काफ़ी फिशिंग के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, नहाने के लिए भी आते हैं।
ये है कोटड़ी मरचुंगी गेम रिजर्व। यहाँ पे काफी गेम रिजर्व सभी कोहाट में है। ये है इसके अलावा गवर्नर गेम रिजर्व पॉइंट है सारे। यहाँ पे एक्चुअली अभी परमिट लिया जाता है प्रॉपर हंटिंग का, तो हंटिंग का बगैर परमिट की अलाउड नहीं है। इसके अलावा ये एरिया काफी बड़ा हंटिंग जोन है, काफी मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे हंटिंग की जाती है। सिर्फ फिशिंग के लिए लोग नहीं आते, फिशिंग ऐसे कोई यहाँ पे ममनू नहीं है, लेकिन बाकी जो इसके अलावा वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे, तो उसके लिए परमिट की जरूरत है। पार्टिजेस हैं, बटे तीतर वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे काफी अवेलेबल होती हैं, और सीजन में लोग यहाँ पे आते हैं, परमिट इश्यू होता है उनको, तो वो यहाँ पे गेम रिजर्व पॉइंट में हंटिंग कर सकते हैं। काफी मजेदार लोकेशन है, जो कि हजरात हैं जिनको हंटिंग का शौक है तो वो तो लाजमी इस एरिया को एक्सेस करें। बड़ा ही जबरदस्त एरिया है उनके लिए। हम मंदिर के नजदीक पहुंचने वाले हैं। बस से के एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ के बारे में, जो कि देनी लाजमी है, कि आप जब भी आएं यहाँ पे तो पूछ के आया करें, क्योंकि यहाँ पे गांव हैं मुख्तलिफ, तो उनमें काफ़ी अंदरूनी रास्ते होते हैं, काफ़ी रास्ते जो है वो निकले होते हैं, कुछ इन पॉइंट्स पे बिल्कुल आते ही नहीं हैं, वो कहीं और निकल जाते हैं, तो आप वो मेन कोर से हट जाते हैं तो पता ही नहीं चलता आपको कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो काइंडली जब भी आप आएं तो पूछ कर आएं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सच मैपिंग तो होती नहीं है इन इलाकों में, तो लाजमी है कि आप जब भी आएं तो पूछ कर आएं। मैं थर्ड या फोर्थ टाइम है ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि जो आखिरी लास्ट जो विलेज है वहां पे पहुंच के कभी कभी बंदा गलत हो जाता है, तो बेहतर यही होता है कि आप पूछ कर आए। हम कटकाने के नजदीक पहुंचने वाले हैं। बस एक दो मिनट का रास्ता रहता है, रास्ते में एहतियात कीजिएगा, काफी रफ पैचेस हैं, ऑफ रोडिंग है और ऑफ रोडिंग भी ऐसी है कि आप तेज ना आइएगा, क्योंकि यहाँ पे सैंड जगह है और सैंड में जो बाइक जिनकी बाइक थी जो कि 75 तो वो सैंड करती है, अगर डबल सवारी भी है तो फिर मोमेंटम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। लोग आए हुए हैं, आगे नजर आ रहा है काफी लोग आए हुए हैं फिशिंग के शौक।
3000 फॉलोअर हैं ऐसे लोग। ये देखने आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ये है कटाकाने का मेन पॉइंट जहाँ पे लोग आके ठहर जाते हैं। हमने बाइक ऊपर खड़ी की है और हमारे जो दोस्त हैं वो उनका हम वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं पहुँचे। ये मेन स्पॉट है, हम ऊपर से आपको दिखा रहे हैं कटाकाने। यहाँ पे नॉर्मली बहुत लोग आते हैं फिशिंग के लिए, हंटिंग के लिए। ये एरिया गेम रिजर्व है, कोटणी मरचुंगी के नाम से, जो गेम रिजर्व का नाम है, जो कि मुख्तलिफ बोर्ड्स पे आप देख रहे थे पीछे। काफ़ी बड़ा एरिया है, 4000 स्क्वायर एकड़ है। खूबसूरत जगह है, पानी इस दफा कम नजर आ रहा है लेकिन फिशिंग के लिए अभी भी लोग नीचे बैठे हुए हैं और वो हजरात फिशिंग का एडवेंचर एंजॉय कर रहे हैं। और ये अब्बास भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि आपको ये जगह कैसी लगी फिलहाल तक। तो जगह अच्छी है, मतलब कुछ आप अगर ये जहन में रख रहे हैं कि लश ग्रीन जगह होगी और माउंटेन्स होंगे, उस तरह की नहीं है। सिंपल सी जगह है, प्लेन सी वाइड एरिया है, नीचे एक पानी की नदी बह रही है और फिशिंग वगैरह कर सकते हैं, इधर चाय वगैरह बना सकते हैं, तो इस एडवेंचर के लिए आप आ सकते हैं। यहाँ माउंटेन्स तो हैं यहाँ पे, लेकिन कंसिडरिंग माउंटेन्स लाइक नॉर्दर्न एरियाज और तीरा या ऐसे जो इलाके हैं, तो यहाँ की माउंटेन्स का अलग मज़ा है। यहाँ पे एडवेंचर ये है कि यहाँ पे हंटिंग के लिए लोग आते हैं, तो वो हंटिंग की एरियाज टफ होते हैं, वो चाहे नॉर्थ में हो या फिर साउथ में हो, वो हमेशा टफ जोन्स होते हैं। तो उस लिहाज से ये खूबसूरत जगह है। लीजिए, यहाँ से हम वापसी कर रहे हैं कटाकाने से। अभी 2:15 बज चुके हैं गालिबन। हमें यहाँ पे कुछ बंदे मिले जिन्होंने हमें आगे हमारे साथ में और उन्होंने फिश पकड़ी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने यहाँ पे कल रात यहीं पे थे वो, तो हमारी अभी वापसी है। हमारे साथ जो हमारे दोस्त थे बोर्ड्स के, नूर जमीन भाई, वो कहीं रास्ते में इधर उधर हो गए हैं। मुझे पता नहीं चल रहा कि वो किस रास्ते से कहीं नीचे गए हुए हैं या कहाँ पे हैं। यहाँ पे सिग्नल का इशू है, तो उस वजह से हमें पता नहीं चल रहा कि उसे कहाँ पे तलाश किया जाए। तो वापसी हमने स्टार्ट की है, देखते हैं अगर कहीं रास्ते में मिल गए या किसी से हम पूछते हैं, अल्लाह खैर करे।
उम्मीद करते हैं कि आपको जगह जिस कॉन्टेक्स्ट में ये जगह हमने दिखाई है तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको अच्छी लगी होगी। हंटिंग और फिशिंग के लिए जगह है, ऐसे कोई नॉर्दर्न एरियाज की तरह स्वात मुई या कालाम वगैरह की तरह नहीं है कि आप ये सोच बैठे कि यहाँ पे कोई ऐसी ठंडी जगह होगी, बल्कि नहीं, मौसम अभी अच्छा है, काफ़ी बहुत बेहतर है अभी, तो लोग इसलिए भी आते हैं और फिशिंग वगैरह के लिए, तो उस वजह से हमने ये जगह आपको भी दिखाई ताकि आप भी अगर फिशिंग के शौकीन हैं और आना पसंद करते हैं ऐसी जगहों पे, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, प्लस जगह है। और ऐसी लोकेशन ये सामने देखिए, ये पहाड़ बहुत मजे के हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई मेक्सिको की सीनरी हो। तो टिपिकल सीनरी, टिपिकल ओरिएंटेशन से बदल के हमने आपको एक जगह दिखाई, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जगह पसंद आई होगी। तो चलें मिलते हैं फिर हम किसी और व्लॉग में इंशाल्लाह, किसी और ज़बरदस्त जगह पे। अल्लाह हाफिज़।